बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बिग नंबर ऐड करना बताऊंगा कि एक्सेल में बिग नंबर ऐड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऐड बिग नंबर, यानी कि अगर आप एक्सेल में बिग नंबर ऐड करते हैं, यानी कि वो नंबर अगर आपका मोर देन 10 होता है तो वो ऐड यहाँ पर कैसे होगा, और उसमें अगर आप स्टार्टिंग में ऐड करेंगे नंबर 11, 12 या 13 नंबर या 15 नंबर या 16 नंबर, तो वो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखें नंबर आ जाता है, जैसे ई आ जाता है और प्लस आ जाता है, उसके बाद फिर डिजिट आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखें स्क्रीन पे कहीं पे हमें नंबर नज़र आ रहे हैं, कहीं पे हमारे पास इस तरीके से E11 नज़र आ रहा है, किसी में नंबर आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, जैसे अगर मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप इनका टोटल भी निकालना चाहेंगे तो टोटल के लिए जैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, मैंने इनको मर्ज कर लिया और यहाँ पर राइट कर लेता हूँ टोटल। तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल, तो टोटल के लिए अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल लगाता हूँ यहाँ पर, और सम का फॉर्मूला, और इन तमाम नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज करके, और इसको मैं करता हूँ एंटर। तो देखें यहाँ पर टोटल भी आ चुका है। तो टोटल जब आ रहा है यहाँ पर, देखिए टोटल भी हमें उसी कंडीशन में उसी फॉर्म में दिखा रहा है जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवेन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है। अगर हमारे नंबर 11 तक होते हैं तो 11 तक आपके नंबर्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेंगे। अगर 11 से बढ़ जाते हैं, यानी कि 12 डिजिट अगर आप ऐड करते हैं या 13 या 14, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं 11, यानी कि अगर हम ऐड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एंटर किया, तो देखें 11 नंबर के जो डिजिट्स हैं यानी 11 तक, उसके यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम 12 ऐड करते हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जैसे हमने इंटर किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स चेंज हो चुके हैं। तो इसको आपने सिंपली सॉल्व कैसे करना है, आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है जितने रेंज पे आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने चले जाना है यहाँ से नंबर ऑफ फॉर्मेट सेल में। तो देखिए यहाँ फॉर्मेट सेल ऑन हो जाएगा, तो फॉर्मेट सेल यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी आप जा सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मेट्स के अंदर। तो फॉर्मेट सेल के अंदर अगर आप किसी भी ऑप्शंस के अंदर मौजूद रहेंगे तो आपने नंबर्स में आना है और यहाँ आपने आके नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। तो याद रखें आपने रेंज को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबर को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से अब आप इसको कर देंगे ओके। तो देखें जैसे ही आपने ओके किया यहाँ पर, तो देखें सारे नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुके हैं। अब नीचे आंसर क्यों नहीं सही आया, क्योंकि हमने सिलेक्शन जो की थी वो यहाँ तक की थी। अगर आप इसको पूरा सिलेक्शन कर लेंगे तो आंसर पूरा सही आएगा। चलें इसको भी हम यहाँ से नंबर में चेंज कर दें, तो देखें यहाँ से भी हम नंबर में कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर में चेंज किया तो देखें ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बिग डिजिट नंबर अगर ऐड करना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ नंबर कंडीशन चेंज करनी होगी। तो ये जो टेक्निक जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।